चैप्टर सिक्स क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 13। ये बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन विच द फंक्शन ऑफ एफ गिवन बाय दिस। तो गिवन फंक्शन को दिया हुआ है, गिवन फंक्शन कितना दिया हुआ है एक्स माइनस टू पर पावर 4, ओके एक्स प्लस 1 पर पावर 3। ये फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो जहाँ पर है उसको निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला काम हम लोग का क्या होगा एफ डैश एक्स, बोलो कितना होगा एफ डैश एक्स। तो हमने एक्स माइनस टू पर पावर 4 को छोड़ दिया और डिवाइड इसको कितना निकालेंगे एक्स प्लस 1 का क्यूब, पक्का। और फिर हम लोग क्या करेंगे एक्स प्लस 1 का होल क्यूब छोड़ देंगे और डिवाइड इसको कितना लेंगे एक्स माइनस 2 का होल 4, पक्का। चलिए तो एक्स माइनस 2 का कितना हो गया होल 4, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3 साइड में आएगा, एक्स प्लस 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर होगा, चिन्ह लगाएंगे तो इसका 1 प्लस इसका 0 हो जाएगा, ठीक। प्लस एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, अब इसका अगर हम लगाएंगे डेरिवेटिव तो 4 साइड में आएगा, 4 साइड में नहीं आएगा, और एक्स माइनस 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 1 माइनस 0। अगर हम चेंडू लगाएंगे तो चेंडू लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स माइनस 2 का यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, तो 3 वाला पावर को यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, और एक्स प्लस 1 पर पावर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 2 वाला बाहर ले, तो बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ एक्स माइनस 2 का 3 लिया तो यहाँ एक्स माइनस 2 तो बच जाएगा, एक बच गया, और यहाँ 3 भी बच जाएगा तो 3 भी ले लिया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर तुमने पूरा बाहर निकाल लिया, प्लस यहाँ से एक्स प्लस 1 का क्या होल क्यूब है तो हमने स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 यहाँ बच जाएगा, बचेगा नहीं, और 4 भी बच जाएगा, और एक्स माइनस 2 का होल क्यूब तुमने बाहर लिया हुआ तो यहाँ तो उतना तो बचेगा नहीं, ठीक। अर्थात एक्स माइनस 2 का कितना होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर में कितना 3x माइनस 6 और प्लस 4x प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस 2 का कितना मिलेगा होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंदर कितना मिलेगा 7x 7x माइनस 2, ऐसे 7 बाहर ले लेते हैं हम लोग, एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से 7 बाहर ले आते एक्स माइनस 2 बाई 7 यहाँ बच जाएगा, बच गया, ये हमारा निकला एफ डैश एक्स। अब लिखेंगे फोर क्रिटिकल पॉइंट्स, हमको पहले क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालना पड़ेगा। एफ डैश एक्स कितना होता है 0 होता है, तो यहाँ से 7 एक्स माइनस 2 का होल क्यूब एक्स प्लस 1 का यहाँ से होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 7 ये हो जाएगा 0, और ये 0 होने का मतलब इधर ये 0 या ये 0 या फिर ये आइए 0, यहाँ से एक्स का मान हो जाएगा 2, एक्स का होगा माइनस 1, ये हो जाएगा 2 बाई 7। कहानी पकड़ में आ रही है आपको। चलिए अब हमको इतना वैल्यू हमको मिल गया, अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए मैक्सिमा मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा या फिर हमको क्या चाहिए, हमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए। तो हमको ये क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गया, ठीक है, और हमको एफ डैश एक्स बहुत बड़ा दिया हुआ है, तो चलिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे आप बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसका यूज़ करेंगे एट एक्स बराबर 2 पर। अच्छा 2 से थोड़ा सा कम लेते हैं, ज़रा सा स्लाइटली अगर कम लेते हैं 2 से, इफ एक्स लेस देन 2 स्लाइटली है ना, स्लाइटली पहले लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं इफ एक्स इज स्लाइटली लेस देन 2, अगर एक्स का मान हम स्लाइटली लेस देन 2 लेते हैं, ठीक है, तो 2 से थोड़ा छोटा लेते हैं तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ 2 से छोटा लेते हैं, 2 से छोटा ये 2 से छोटा लेंगे यहाँ 2 से छोटा इसको लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि पावर क्यूब में नेगेटिव हो जाएगा, और 2 से छोटा तो ये तो होल स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 से यहाँ छोटा लेंगे 2/7 है, 2 से छोटा लेंगे 2/7 ये हमको कितना पॉजिटिव मिलेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनली हमको एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, एफ डैश एक्स हमको क्या मिलेगा नेगेटिव ही मिलेगा, और एफ डैश एक्स नेगेटिव मिला। चलिए ठीक, अब हम क्या करते हैं एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2, हम 2 से बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा 2 से बढ़ा लेते हैं, यहाँ 2 से बढ़ा लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है होल स्क्वायर है, ये 2 से बढ़ा लेंगे, 2 से बढ़ा लेंगे तो भी ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो कहने का मतलब है कि एफ डैश एक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो अब कहने का मतलब है कि 2 से जब गुजरता है तो ये ना नेगेटिव से पॉजिटिव
हो जाता है, नेगेटिव मतलब ऐसे होता है, यहाँ दो है तो पहले एफ डैश नेगेटिव हो रहा फिर ये बढ़ रहा है पॉजिटिव, तो ये हमारा मिनिमा हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे है ना, when f dash x changes sign from negative to positive through 2, so 2 is minima, 2 is minima, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम क्या लिखेंगे, एज एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थ्रू टू, सो एक्स बराबर टू इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो ये जो हम पॉइंट टू मिला वो हमको क्या मिला, पॉइंट ऑफ मिनिमा मिला, क्लियर है। चलिए तो हमको ये हमको लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है ना, तो इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है टू पर क्या होगा, लोकल मिनिमा हो गया, क्लियर है। अब लेते हैं माइनस वन, एक्स बराबर माइनस वन, तो वी पुट एक्स स्लाइटली लेस देन माइनस वन, थोड़ा सा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स तो यही है, एफ डैश एक्स यही है, हमने ऊपर मिटा दिया। तो इसमें अगर हम रखेंगे क्या, माइनस वन से छोटा, अब ध्यान दो माइनस वन से छोटा, तो माइनस वन से छोटा यहाँ रखेंगे, माइनस वन से छोटा मतलब नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस वन से छोटा तो हम लोग माइनस टू भी रख सकते हैं, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ये, तो ये तो हर हाल में पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, और ये एक से माइनस से छोटा, तो ये भी हमको नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो गया क्या, पॉजिटिव, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब वी पुट एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन माइनस वन, अब माइनस एक से बड़ा रखते हैं, माइनस एक से बड़ा, ये ज़ीरो, ये माइनस एक, माइनस दो, माइनस एक से बड़ा मतलब माइनस हाफ, अगर हम यहाँ माइनस हाफ रखेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स में, तो माइनस हाफ माइनस टू नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव का, तो नेगेटिव का होल क्यों नेगेटिव, अच्छा माइनस हाफ एक से एक से आधा गया, ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये हो गया हमारा माइनस हाफ, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनली ये हमको हो गया पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक। अब चूंकि सिंस एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन थ्रू एक्स इक्वल टू माइनस वन, अब जब ये माइनस वन से गुजर रहा है तो एफ डैश एक्स जो है वो साइन नहीं बदला, एफ डैश एक्स पॉजिटिव था पॉजिटिव रह गया, तो चिन्ह नहीं बदला, इसका मतलब जब चिन्ह नहीं बदल रहा है जब ये पॉजिटिव ही हो रहा है, तो इसका मतलब कि जो ग्राफ है वो बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, अब बढ़ता जा रहा है का इसका मतलब कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्या हो गया पॉइंट ऑफ, सो हम लिखेंगे सो एक्स बराबर माइनस वन इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहानी पकड़ में आ रही है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, कौन सा आपका एक्स बराबर माइनस वन, ठीक है। अब हम 2/7 देख लेते हैं, 2/7 ठीक, अब 2/7 फर्दर एक्स इक्वल टू 2/7 वी टेक एक्स स्लाइटली लेस देन 2/7, हम 2/7 से थोड़ा सा कम लेते हैं, 2/7 से थोड़ा सा कम लेते हैं, तो 2/7 से थोड़ा सा कम लेंगे, 2/7 का मतलब कितना हो गया, 2/7 का मतलब कितना हो गया, तो 2/7 का मतलब हो गया हमारा 27, मतलब 0.2 समथिंग, तो 0.2 समथिंग माइनस, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, थोड़ा कम ले रहे ना,
टू पॉइंट कितना होगा ये, 2.7 दूरी होगा, 7 × 2 = 14, एक मिनट, पॉइंट 7 × 2 = 14 पॉइंट होगा ना, पॉइंट पॉइंट समथिंग होगा, तो पॉइंट समथिंग से दो जाएगा तो कितना नेगेटिव बचेगा ना, तो ये नेगेटिव हो गया, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, और ये छोटा लेंगे तो कितना हो जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो फाइनली क्या हो गया, एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, एफ डैश एक्स क्या होगा नेगेटिव हो गया, क्या हो गया नेगेटिव, एंड वी टेक एक्स स्लाइटली ग्रेटर देन 2/7। अच्छा इससे अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे तो एफ डैश एक्स के सेहत पे क्या फ़र्क है ना पड़ने वाला है, अब देखो थोड़ा सा ज़्यादा ले रहे हैं, एफ डैश एक्स 2/7 से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं, 2/7 से थोड़ा ज़्यादा भी लेंगे तो ये हमको नेगेटिव ही मिलेगा, ये हमको नेगेटिव मिलेगा, चूँकि 2/7 तो पॉइंट में आता है ना, तो पॉइंट से 2 घटेगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव का हल क्योंकि नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये 2/7 से ज़्यादा ले तो ये हमको हो गया पॉजिटिव, खाली पकड़ में आ रही, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब नेगेटिव, फाइनली फाइनली ये नेगेटिव हो गया, ठीक। सो हाँ, सो हम क्या बोलेंगे, सो एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू नेगेटिव था, पहले क्या हुआ था, पहले भी नेगेटिव था, एक मिनट रुक जाओ, 2 से छोटा लिया था ना, तो 2 से छोटा 2/7 से छोटा लेंगे तो ये हमारा क्या नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना बाबू, ये तो पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब ऐसे एक्स बराबर होगा 2/7, ये पॉजिटिव से नेगेटिव है ना, तो सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स बराबर 2/7, कहानी पकड़ में आ रही, तो ये जो है 2 पर क्या हो गया, 2 पर मिनिमम हो गया, 2 पर मिनिमम, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, पकड़ में आ रही बात आपको, चलिए ठीक है।